समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पोखरेरा वार्ड नंबर 1 के पास बूढ़ी गंडक नदी में अवैध बालू खनन के विरोध में कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा 6 चक्के का 2 हाइवा, 1 जेसीबी और 1 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। घटना की सूचना मिली कि बालू लदे एक उजला वाहन से ठोकर लगने से एक व्यक्ति जख्मी हो गया है और ग्रामीणों द्वारा आक्रोश में आकर वाहनों को क्षतिग्रस्त कर आग लगा दिया गया है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु खनन विभाग को सूचित करते हुए मुफस्सिल थाने की पुलिस और खनन विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी, ट्रैक्टर, हाइवा जब्त कर अवैध खनन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक पोखरेरा ढाब है जहां अवैध रूप से खनन करने की सूचना भी मिली थी, वहां टीम गठित करके भेजा जा रहा था। इसी क्रम में एक गाड़ी से जाने के क्रम में एक व्यक्ति को चोट लग गई थी जो अभी इलाजरत हैं। तत्काल पुलिस को सूचना मिली थी, उस क्रम में कुछ ग्रामीण आक्रोशित होकर के एक गाड़ी में आग भी लगा दिए थे, लेकिन वहां पर पुलिस टीम और माइनिंग के पदाधिकारी पहुंच करके उस जगह का भी भौतिक रूप से सत्यापन किए और जो वहां गाड़ी लगी हुई थी जिसमें 2 हाइवा था, 1 जेसीबी मशीन था और 1 ट्रैक्टर था, उसको विधिवत जब्त किया गया और भौतिक रूप से जिस जगह पर खनन हुआ था उस खनन की जांच भी की गई माइनिंग पदाधिकारी के द्वारा, तो पाया गया कि वहां अवैध रूप से खनन हुआ है। इस अवैध रूप से खनन के कारण जो सरकार को क्षति हुई है, इस संबंध